हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे वेज पुलाव, जिसके लिए हम यहाँ ले रहे हैं 5 कप बासमती राइस। इसको हम 3 से 4 बार पानी से धो देंगे। धोने के बाद हम इसे सिम गैस पर रख देंगे। मैं यहाँ 1 चम्मच नमक भी डाल रही हूँ। मैं हमेशा अपने स्पाइसेस स्टीम करते वक्त ऐड कर देती हूँ, इससे पुलाव में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं यहाँ 1 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी, 2 लवंग, 2 काली मिरी और 1 इलायची डाल रही हूँ। अब हम इसे एक अच्छा मिक्स दे देंगे। इस तरीके से स्पाइसेस का टेस्ट बहुत उभर के आता है। इसे हम कुछ 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे बॉईल होने के लिए। अब हम वेजिटेबल्स की तैयारी करेंगे। आप अपने पसंद के वेजीज ले सकते हैं। मैंने यहाँ 1 गाजर, 1 शिमला मिर्च, 1 प्याज और 1 टमाटर लिया है, 4 हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, बॉइल्ड चने, 2 कश्मीरी मिर्च और धनिया। मैंने यहाँ सारे वेजिटेबल्स एक ही शेप में काटे हैं। 15 मिनट हो चुकी है। 15 मिनट बाद आप अपने राइस को स्ट्रेन कर सकते हैं। इसे ज़्यादा भी नहीं स्टीम करना है। अब जो स्पाइसेस हमने डाले थे, उसे हम फ्राई करने के पहले निकाल देंगे, ताकि उसका टेस्ट ना बिगड़े। अब एक बड़ी कढ़ाई लेंगे, उसमें 3 चम्मच ऑयल लेंगे। पहले उसमें डालेंगे 4 हरी मिर्च, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर इसमें डालेंगे 2 कश्मीरी मिर्च और उसे अच्छे से भून लेंगे। 20 सेकेंड भूनने के बाद हम 1 चम्मच हींग डालेंगे। अब जिसे स्पाइसेस स्टीम करते वक्त डालना नहीं पसंद, वो अब इस समय फ्राई करते वक्त डाल सकते हैं। अब हम डालेंगे हमारे कटे हुए प्याज। इसे हम लगभग 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। जब ये अच्छे से ब्राउन हो जाए, तब हम इसमें डालेंगे कटी हुई गाजर। जब गाजर भी भून जाए, तब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। आखिरी में हम डालेंगे टमाटर। लगभग 1.5 मिनट तक अब इसको हम ऐसे ही भूनेंगे। आप देख रहे हो, इसका कलर भी चेंज हो रहा है। अब इसमें हम बॉइल्ड चने डाल देंगे, जो हमने पहले बॉईल करके रखे थे। अच्छे से मिक्स करके उसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे, 2 चम्मच कश्मीरी मिर्ची। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच पाव भाजी मसाला। अच्छा मिक्स देके 1 मिनट के लिए पका लेंगे। अब डालेंगे कटा हुआ धनिया। आप देख रहे हो, इसका कलर बहुत अच्छा है। अब हम डालेंगे हमारे बॉइल्ड राइस। मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा करके राइस डाल रही हूँ, ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। साथ में डालने से चावल कभी कभार टूट जाते हैं, तो पहले मैं उसे अच्छा मिक्स दे दूँगी। अब फिर से चावल डालूँगी। आप देख रहे हो, पुलाव का कलर बहुत अच्छा आया हुआ है। इसको हम सिम गैस पे ही रखेंगे 5 मिनट के लिए। इसे हम ढक के सिम गैस पे गर्म होने देंगे। 5 मिनट हो गई है, हमारे पुलाव अब रेडी है। आप इसे दही या रायता के साथ खा सकते हो। अब इसे हम एक प्लेट में सर्व कर देंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो और आप ट्राई करना चाहते हो घर बैठे पुलाव बनाना, सो प्लीज़ डू ट्राई इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।